प्रेम विवाद में प्रेमिका की हत्या की घटना डोंबिवली के मानपाड़ा इलाके से सामने आई है। इस बीच आरोपी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर हत्या की बात कबूल कर ली है। इस संबंध में डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगमी कार्रवाई शुरू कर दी है। मानपाड़ा रोड स्थित पाइपलाइन परिसर की 42 वर्षीय निवासी महिला का अपने पड़ोसी संदीप अहिरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम संबंध को लेकर मृतक महिला और आरोपी संदीप का विवाद होता था। हालांकि बुधवार सुबह 11 बजे के बीच उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपी संदीप ने अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया और चाकू से मृत महिला की गर्दन पर वार किया। इस बीच महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पछताता आरोपी संदीप खुद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा और हत्या करने की बात कबूल की, जिसमें उसने पुलिस को कहा कि उसने पड़ोस में रहने वाली महिला की हत्या कर दी। आरोपी संदीप शादीशुदा नहीं है, लेकिन महिला शादीशुदा है। मानपाड़ा पुलिस ने बताया कि महिला का पति एक निजी कंपनी में कार्यरत है। कल्याण के पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल, सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुराड़े, मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागड़े घटना की आगे की जांच कर रहे हैं। आज मानपाड़ा पुलिस स्टेशन साधारण सकाळी 11-11:30 दरम्यान पाइपलाइन रोड श्रीहरी सोसायटीची चाळ आहे त्या ठिकाणी एक महिला वैशाली रघुनाथ मस्तूद, साधारण 40 वर्षाची महिला आहे। तर तिला तिच्या शेजारी राहणारा संदीप पुंडलिक आहिरे याचे आणि त्याचे अनैतिक संबंध होते। या महिलेचे पती आणि मुलं बाहेर कामाला गेले असता महिलेच्या घरात जाऊन कोणत्या तरी धारदार हत्याराने, ब्लेड सारखं हत्यार होतं ते, ब्लेडने गळ्यावर वार करून त्याला जागीच खून केलेला आहे। त्या आरोपीला मानपाडा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बागडे आणि त्यांच्या टीमनं ताब्यात घेतलेलं आहे। या संदर्भात मानपाडा पोलीस स्टेशनला मर्डरचा गुन्हा दाखल असून वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्ह्याचा तपास आणि बाकीची प्रक्रिया चालू आहे।